साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। इंदौर में एक शख्स की आत्महत्या के मामले में महिला धराई। भारत बांग्लादेश की टीम ने इंदौर में जमकर की प्रैक्टिस। 1,00,000 स्मार्ट मीटर लगाने वाला इंदौर देश का एकमात्र शहर बना। अब खबरें विस्तार से। यूपी के कन्नौज में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा की इस डुबकी में कई पुण्यों का लाभ मिलता है। बताना चाहेंगे कि कन्नौज में गंगा और काली नदी का अनोखा संगम है, जहां मंगलवार को लाखों भक्त पूर्णिमा की डुबकी लगाने पहुंचे। पुलिस प्रशासन व अन्य चाक चौबंद व्यवस्था में श्रद्धालुओं ने पूजन कर पर्व मनाया। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालुओं ने जहां स्वच्छता का ध्यान रखा, वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार साफ सफाई की जा रही थी। इंदौर के नेहरू पार्क में जहर खाकर जान देने वाले व्यक्ति को धमकाने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नेहरू पार्क में गुरुवार को जहर खाकर जान देने वाले रघुवंशी की मौत के मामले में सिलावटपुरा से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मौत के इस मामले में पुलिस के हाथ एक सुसाइड नोट लगा था, जिसमें उक्त महिला के नाम का उल्लेख था, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है और कार्यवाही जारी है। पास लोगों में कपड़ा खरीद कर उसमें शहनाज की आरोपिया थी, उसको कल्ली नाम से गिरफ्तार किया गया। इंदौर में होने वाले 14 नवंबर को भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। दोनों ही टीमों ने आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस को अंजाम दिया। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान अंजिक्य ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और उनके साथ खेलना हमारे लिए अच्छा अनुभव रहेगा। एशियाई मूल में भारत और बांग्लादेश मजबूती मानी जाती है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में भारत का बांग्लादेश के साथ इंदौर में होने वाले टेस्ट मैच का अनुभव कैसा रहता है। हमारे स्ट्रेंथ से कैसे खेलते हैं, हम किसी भी टीम को लाइटली लेना चाहते हैं, भले वो कोई भी टीम हो और हम कहीं भी खेल रहे हो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम एज ए टीम खेले, एज ए यूनिट खेले, एक दूसरे का परफॉर्मेंस हम इंजॉय करें और कैसे हम एज एन इंडिविजुअल हम टीम को कैसे जिता सकते हैं, हमारा फोकस वो होता है, और एज ए टीम हम कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। हम जरूर बांग्लादेश को रिस्पेक्ट करते हैं और हमें जरूर जानता हूँ कि वो शुरुआत काफ़ी अच्छा करेंगे और इस सीरीज में काफ़ी अग्रेसिवली खेलेंगे, बट फोकस हमारा हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर होगा। इंदौर में 14 तारीख से होने वाले टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए इंडिया के कप्तान और इंडियन टीम ने स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिन इंदौर में भारत और बांग्लादेश की दोनों ही क्रिकेट टीमें शहर में पहुंच चुकी हैं, जहां भारतीय टीम होटल रेडिसन में रुकी हुई है तो वहीं बांग्लादेश टीम को मैरियट होटल में रखा गया है। बांग्लादेश खिलाड़ियों ने कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों द्वारा होलकर स्टेडियम में आज जमकर पसीना बहाया गया और टेस्ट मैच जीतने के लिए प्रैक्टिस की गई। देश में सर्वाधिक 1,00,000 बिजली के स्मार्ट मीटर इंदौर में लगे हैं। इनके क्रियान्वयन को देखने के लिए अब तक 12 से ज्यादा राज्यों के दल इंदौर आ चुके हैं। वहीं मंगलवार को जर्मनी के 4 सदस्य दल स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया से रूबरू हुए। बिजली कंपनी इंदौर के MD विकास नरवाल, मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर ने बताया कि शहर में बिजली स्मार्ट मीटर उपभोक्ता और कंपनी के बीच पारदर्शिता बनाए हुए है। स्मार्ट मीटर की खासियत है कि इसमें पल पल बिजली कनेक्शन की जानकारी पोलो ग्राउंड पर बने स्काडा सिस्टम में देखी जा सकती है और उपभोक्ता चाहे तो अपने मोबाइल पर ऊर्जा ऐप के माध्यम से 6 महीने पुरानी खपत तक देख सकते हैं। आज जर्मनी 4 सदस्य दल इन मीटरों की खासियत देखने इंदौर पहुंचे, जहां कंपनी के आला अधिकारियों ने जानकारियों से रूबरू करवाया। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।